You have Wi-Fi? I put it there. Okay. नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अचना बाबा जीव Oh,
ऑस्ट्रेलिया में ये तो नहीं नेक्स्ट ईयर से क्या आपको भी मिल रहा है मेरा आपको भी तो जाकर मिल रहा है तद्भक्ताय नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री भूरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और क्या बोले हैं क्या जी वो तो कथा हो गए थे भक्तों ने ठाकुर क्या क्या बोल और क्या बोलना चाहते हैं बोलो Queen sister. Siddhanti Maharaj said that Yogamaya is the twin sister of Krishna, born at the same time. Twin sister girl. Twins. She informed Krishna's birth, so I just don't understand how she was informed that Krishna's birth, not about Yogamaya, didn't mention anything about श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन दिस मदर यशोदा सी गेव बर्थ कृष्ण एंड ऑल्सो वन डॉटर So Krishna, because this word is using the Krishna Anuja. How will prove the mother Yashoda, she gave birth and Krishna and one daughter. Youngest. Anuja means one who takes birth. And after another son, his daughter. That is called Anuja. Here is a feminine gender. So Krishna and Yogamaya. So then how should she inform Nanda Maharaj of the birth of Krishna? When she was born after Krishna. Yeah. She born after Krishna, how can she inform them?
Nanda Maharaj, he did not see, even Jogmaya's, Mother Yashoda, she did not see. She became unconscious after the delivery. She was not conscious about anything for so many hours. So when Mother Yashoda, she gave birth the baby, that time Mother Yashoda, she completely her unconscious. So for this regard, she does not know is she gave birth on another daughter. She does not know. You know, Mother Yashoda, she did not know these things. Yogamaya informed Nanda Baba of the birth of Krishna, but if she is born after Krishna, she is the youngest sister. So how could she? How could she? As in Hindi, Yogamaya, if she is small, she does not know that Krishna was born. पूर्णमासी एंड जोगमय पूर्णमासी देवी सी को जोगमय कभी कभी वो बोलने में ये हो जाते हैं ना क्या बोले अरे बहुत लोग बोले वही कथा हम कौन क्या बोले उसके संग खंडन करने के जीव गोस्वामी बात क्या बोले और क्या बोले वो क्या बोले नहीं बोले दूसरे क्या बोले उसके लिए मैं मेरे पास आओ समाधान करके हम क्या करते उसके लिए अलग समय चाहिए ना उसको पूछो जिसे कथा सुनी जिसे संशय हो रहा है उससे पूछ लो यू अंडरस्टैंड जिससे जो कथा सुना है उससे जरूर के पता था और एक है गदाधर की भी पता था और ये पांच लोग ना उसमें है ना के बोले चैतन्य आज नहीं इसे उनकी भी पता था और अद्विताचार्य जी तो पता ही होगा उसमें कोई संदेह नहीं उसमें लिखा है पांच लोग नहीं सच्ची माता के लिए नहीं कहा श्रीवास ठाकुर नित्यानंद गदाधर और स्वरूप दामोदर कहाँ थे महापुरुष अन्नाई लेते इससे इसके लिए उन्होंने तो क्या बोले उन्हें जाकर के नाम रख लो स्वरूप उनके पहले नाम था इन लोग के पता है स्वरूप सबसे जो ज्यादा क्या बोले स्वरूप दामोदर महापुरुष के हृदयगत भाव के सभी जानते हैं जो और किसी के कोई भक्त के यदि अनुभव हो अथवा नहीं हो स्वरूप दामोदर
महापुर के बारे में सब जानते हैं। ये तक भी महाप्रभु क्या बोला क्या नहीं बोला भागवत में सब लोग स्वरूप के पूछते रहते हैं। चेतन चेतन ढूंढो देखो उसे पांच नाम है महाप्रभु। मेरे ख्याल से चैतन्य भागवत में चैतन्य चैतन्य जो होगा सर है चैतन्य भागवत में देखो कहीं है जो अच्छा और क्या बोलना है अच्छा जहाँ जहाँ गए हैं वहीं के बारे में थोड़ा बहुत आलोचना करते हैं है? आज कहाँ गए थे हम सानंद है? अष्टकालीय स्मरण महाप्रभु भी अष्टकालीन स्मरण है ये महाप्रभु की नित्य जो भाव जो है उसके भी स्मरण है वो एक ग्रंथ है आई थिंक भक्तिमोहन ठाकुर के एक ग्रंथ है महाप्रभु की स्मरण पद्धति जो है वो ग्रंथ है मेरे पास था तो महाप्रभु की सारी लीलाओं के स्मरण कैसे होता विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहे और गंभीरा में रह करके महाप्रभु जो चिंतन आदि करते थे और शिक्षा जो आठ श्लोक जो है आठ श्लोकों के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर अष्टकालीन लीला आदि से वर्णन किया कृष्ण अष्ट लीला में और उसके अनुसार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद गोविंद लीलामृत ग्रंथ जो है प्रकाशित किया और उसी भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रस ग्रंथ में जो है आठ अष्टकालीन लीला आदि दिखाया गोस्वामी और फिर आठ श्लोक जो है गोविंद लीलामृत ग्रंथ की आठ श्लोक जो है उसमें वो वर्णन हुआ है कृष्ण भावनामृत ग्रंथ श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ भी जो है और उसी के बंगला अनुवाद करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर उसमें वर्णन किया गया भजन रहस्य ग्रंथ भी जो है ये भजन रस ग्रंथ मिल गया विश्वनाथ चक्रवर्ती मेरा बंगला जन मेरे नहीं मेरा कमरे में ना भजन रस ग्रंथ जो उसको ले हाँ थोड़ा हाल है भजन रस भजन रस ग्रंथ है ना मेरा मैं जो कोई बंगला की नहीं है क्या समझिए और गोस्वामी के जितने ग्रंथ है सब तो बंगला में ही है सब है वो देखो टेबल वो उधर रखा है नहीं इधर रखा है जहाँ पर वो पर्पल कलर का है
अष्टकाल मध्य महाप्रभु के स्मरण पद्धति, ग्रंथ के नाम है महाप्रभु की लीला स्मरण पद्धति वो ग्रंथ। लीला कृष्ण के अष्टकालीन लीला है, इसमें जो है कृष्ण के ये अष्टकालीन लीला महाप्रभु उसमें क्या क्या भाव वर्णन होते जाए है वो समस्त वर्णन है। इसे महाप्रभु जैसे प्रातः काल में उठ करके क्या भावना करते थे, कैसे महाप्रभु चिंतन आदि करते थे।